रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। NCR में धूल भारी आंधी के साथ जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आंधी के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। नोएडा, दिल्ली और NCR में शनिवार शाम एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं के कारण कई जगह यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं नोएडा में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। ग्रेटर नोएडा में धूल भरी आंधी से आसमान में अंधेरा छा गया। धूल भारी आंधी से लोगों में दहशत है। वहीं तेज बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है। क्या कहना है मौसम विभाग? मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया, प्रदेश में एक सप्ताह मौसम ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, 15 जून के पहले यूपी में मानसून पहुंच जाएगा। शुक्रवार को हुई थी राजधानी में पहली बारिश। शुक्रवार को राजधानी समेत कई जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा मौसम पूरे हफ्ते बना रहेगा। अनुमान के मुताबिक मध्य पश्चिम क्षेत्र में इस साल जुलाई में खूब बारिश होगी। यूपी भी इसी क्षेत्र में आता है। जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में कई लोगों की मौत बारिश के कारण, प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सिर्फ आगरा में ही 80 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 9 और 10 मई को आंधी तूफान और बारिश में 18 लोगों की मौत हुई। फिर 14 मई को भी ऐसी ही घटनाओं में 51 लोगों की जान गई। 10 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को 12 राज्यों में तेज बारिश अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जून को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई इलाकों में तूफान और गरज चमक के आसार हैं। शुक्रवार को हुई थी 19 मौतें। शुक्रवार को सुबह बारिश के दौरान यूपी के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से और दीवार ढहने से हुए हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा 5 मौत सुल्तानपुर में हुई थी। चंदौली, जौनपुर में 3-3, रायबरेली, बहराइच में 2-2 और मिर्जापुर, वाराणसी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी। 19 में से 18 की मौतें बिजली गिरने से हुई, जबकि सीतापुर के तंबौर में दीवार ढहने से 1 की मौत हुई थी।